A very good morning to all of you. Today we are going to continue with our second topic of political theory, that is putting political theory to practice. In this textbook, how political theory is put to practice, we will study. We will only be confined with one aspect of political theory, that is the origin, meaning and significance of political ideas. Humne sirf origin, meaning or significance कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ का करना है, सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट एंड सेक्युलरिज्म। हर बात पर डिबेट होगी एंड द क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व आउट इज व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट मैनर। पॉलिटिकल थ्योरीज थ्योरिस्ट ने दे हैव ऑलवेज आस्क्ड दैट व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज इक्वालिटी, and they have provided with diverse definition. It is not maths bilkul nahi hai ki ek formula de diya gaya to usi ke accordingly humne sare questions solve karne hain. There can be one definition of a triangle, but in political theory we have to counter many definitions of equality, freedom or justice. Suppose I am saying I am tall, I am rich. It is not enough. You have to compare your tallness and richness with some other. I am richer than him. I am taller than Sonia. So these are all कि जब भी आप equality की बात करते हो, in that sense you have to concern the relationships with other human beings rather than the things. आप equality की बात करते हैं तो आपको दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट पीपल ऑफन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम और गवर्नमेंट ऑफिसेस। समटाइम्स दोज हु आर डूइंग दैट दे आर टोल्ड टू गेट बैक इन द लाइन एंड वी फील वेरी वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। Sometimes if they get ahead, अगर आगे चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो चीटिंग हुई है, इस बंदे को आगे नहीं जाने देना चाहिए। So we all want equal opportunity to get goods and services for which we are paying. We are paying our taxes to the government. For that reason, we must get the equal opportunity for get goods and services. बट एक अलग एग्जाम्पल देखो कि मान लो कोई ओल्ड और डिसेबल्ड आ जाता है हॉस्पिटल में। वी अंडरस्टैंड दैट सच स्पेशल ट्रीटमेंट में भी जस्टिफाइड, उसको अलाउ कर दिया जाता है आगे जाने के लिए कि जाओ भैया आप पहले दिखा लो डॉक्टर को, यू कैन गो अहेड बिकॉज यू आर ओल्ड, यू आर डिसेबल्ड। तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उस समय जस्टिफाई किया जाता है। वुमेन रिजर्वेशन होती है, एससी रिजर्वेशन होती है, एसटीएस रिजर्वेशन, ओबीसी की रिजर्वेशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल ही जस्टिफाइड होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वुमेन्स रिजर्वेशन एंड डिफेंसिव सेपरेशन। व्हाट इज डिफेंसिव सेपरेशन? डिफेंसिव मीन्स वो लोग जो पिछड़े हुए हैं, दे आर नॉट अप टू द लेवल प्लेइंग फील्ड, उनके साथ बराबरी का मुकाबला नहीं हो सकता। सो दैट रीज़न इफ दे आर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट देन दैट इज जस्टिफाइड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इन एवरी डे मैनी पुअर पीपल के नॉट गो टू द शॉप और टू अ डॉक्टर बिकॉज दे हैव नॉट मनी फॉर दैट। सो एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट इक्वालिटी। अगर वुमन सेक्शन को इनइक्वालिटीज, अगर उनको रिजर्वेशन दी गई है तो उसे हमें इनइक्वालिटी का नाम नहीं देंगे बिकॉज दे आर नॉट अप टू द लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट इज़ व्हाई दे आर बीइंग गिवन द रिजर्वेशन। सो एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ फेयरनेस सो दैट पीपल आर नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉयटेड एंड disadvantaged by economic factors. Equality में सभी लोगों को किसी हद तक fairness provide की जानी चाहिए है और लोगों को ऐसा नहीं है कि उनका exploitation हो
जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड तक नहीं पहुंच सके उनके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है. वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ लिबर्टी. अंडर दैट आर्टिकल वी सम यूज टू से सी दैट हमारे घर में वाईफाई नहीं है, ओहो हमारे राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा. अरे उन लोगों की तरफ तो देखो कि कुछ गर्ल स्टूडेंट्स हैं, पुअर हाउसहोल्ड्स के कारण उन्हें स्कूल में जाने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर में पेरेंट्स काम पर जाते हैं और उन्हें अपने भाइयों और बहनों का ध्यान रखना पड़ता है. उनके लिए भी तो राइट टू लाइफ है. सो दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल प्रोवाइड करता है. दैट राइट रिमेन्स फॉर्मल. एंड अगेन वी मे फील दैट गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर सच चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स सो दैट दे आर अनेबल टू गो टू स्कूल. लुक एट एवरी वन एंड सी द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी. आपके घर में वाई फाई का 10 मिनट कनेक्शन नहीं आया, आप सोचते हैं कि हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है. उन लोगों के बारे में सोचो जो स्कूल नहीं जा पा रहे, छोटे बच्चे अपने सिबलिंग्स का ध्यान रख रहे हैं घर में बैठे. तो ऐसे पेरेंट्स और ऐसे चिल्ड्रन को उनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी कुछ ज़्यादा भी कर दे तो वो इनइक्वालिटी नहीं होगी. वन मोर एग्जाम्पल इक्वालिटी को समझने के लिए, ये आइडिया काफ़ी कम्प्लेक्स है. वेन वी आर इन अ क्यू और प्ले ग्राउंड वी वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी. प्ले ग्राउंड में हैं हम, क्यू में खड़े हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए. बट इफ़ वी सफर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिसबिलिटी इन दैट सिचुएशन वी नीड स्पेशल प्रोविजन. We cannot afford basic needs, equal opportunities is not enough. We must be unable to go to school and get enough help through proactive measures such as fair distribution of resources, jobs, decent wages, subsidized hospitals. Hum sabko sari facilities chahiye. As told by Ambedkar ji, Indian constitution is enforcing democracy on a society which is essential undemocratic. Root level तक हमें democracy provide करनी होगी. And that is why local governments are formed, पंचायती राज system is being formed. We may have many definitions because meaning of equality is dependent on the context. किसी के लिए सिर्फ इतना ही सोचना काफ़ी है कि मेरे घर में वाईफाई नहीं आया तो मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही. बाकी लोगों की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग पुअर हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनको भी इक्वालिटी ज़रूरी है, उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए. सो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट व्हाट दे यूज टू डू, दे क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स. जितने भी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, चाहे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, नेशनलिज्म है, दे क्लैरिफाई द मीनिंग. उनका मीनिंग कंसेप्ट्स का क्लियर करते हैं, हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड हाउ दे आर टू बी यूज्ड इन आवर डे टू डे लैंग्वेज. डिबेट भी करते हैं एंड दे एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग. मैथ्स नहीं है, एक डेफिनेशन दे दी, एक फॉर्मूला दे दिया तो हो गई बात. नो, in political theory we give diverse meanings and diverse opinions and diverse definitions of various concepts, but all will be in a systematic manner. When is equality of opportunity enough? When do people need special treatment? How far and how long should special treatment be given? Should poor children be given midday meals to encourage them to stay in schools? These are some of the questions which political theorists address. As you can see that ये काफ़ी practical issues हैं, but political theorists क्या करते हैं, कुछ guidelines provide करते हैं ताकि public policies बनाई जा सके education और
एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर. मीन्स इक्वालिटी की कंसेप्ट दैट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल. वो लोग जो डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज हैं उनको अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल भी जाता है तो वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी हियर ओनली. अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल भी जाता है तो कोई बात नहीं बिकॉज दे डिजर्व दैट. एंड इन केस ऑफ इक्वालिटी पोलिटिकल थ्योरीज एंगेज विद एवरी डे ओपिनियंस, दे डिबेट द पॉसिबल मीनिंग्स, दे शूट आउट, दे थ्रैश आउट पॉलिसी ऑप्शंस ऑल्सो. सो इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म एंड सिक्योरिज्म. This is all with today's topic. Have a nice day at your houses. Stay safe and stay healthy.